नमस्कार, आपण समस्तंकु बिन रोसेई चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनैवा सिमेई दोसा। यही सिमेई दोसा को आपण सकाळे किंबा संध्या बेले जेकोणसी चटनी सह खाई परिबे। यही सिमेई दोसा खाइबा पई बहुत क्रिस्पी एवं टेस्टी लगी थाए। रेसीपीटी स्टार्ट करिवा पूर्वरु आपण माने जति मो वीडियो को सब्सक्राइब करना दी तेबे सब्सक्राइब करनियंतु। सब्सक्राइब बटन पाखरे बेल आइकन ने क्लिक करिकि ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट करंतु, जहाँफल आगु को मु अपलोड करथिबा सब नुवा भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम रु पाई परिबे। तेबे आसंतु स्टार्ट करिबा आजिरो रेसिपी। तेबे सिमेई दोसा तयार करिया पई मु एटी सब सामग्री नेइछि। एठी मु नेइछि गोटे कप सुजी, गोटे कप सुजी सहित मु एटी नेइछि गोटे कप सिमेई। सुजी सिमेईर माप इक्वल हबा दरकार। ता सहित मुझे काटिकी रखी किसी फ्रेश धनिया पत्र, गोटे पियाज, गोटे इंच अदा को ग्रेट कर, गोटे चम्मच जीरा और दुईटा कंचा लंका को पूरा एकदम टिक टिक करके काटि नहीं। गोटे बड़ चम्मच अटा और स्वाद अनुसार लुण। प्रथम गोटे कड़ई बसईकी आम सीमे को भाजी नवा। गोटे रु देढ़ मिनिट पर्यंत आपको आम भाजी नवा। आपको बेस ब्राउन कलर हवा जाके भाजबानी बा सारा कंचापणटा टे दूर हो जाए आम जस्ट टे भाजी नवा। ये देखु ये गोटे मिनिट रु अधिक है ये भाजी सारा आपको आम काढ़ीद। ये गोटे बड़ जगह को काढ़ी ना सेम कड़े रे गोटे कप सुजी को मध्य अल्प भाजी नवा। आपको मध्य आमको बेस ब्राउन कलर करिवार नाई, बस सार कंचा पणटा दूर हाँपाई आपको आम जस्ट टे भाजी नवा पखापाखि गोटे रु देढ़ मिनिट भितर। यही सुजी को भाजिकी मुझे टी थंडा करने भी। थंडा कर सारापर गोटे ग्राइंडर जारे ये सुजी को दे मुझे अल्प पा देदे जेतिक आमर ग्राइंडिंग हाँपाई दरकार। ये मत आउ टे पा दरकार हे सुजीटा ठीक हो जाए। आउ अल्प पा दे आपको पुणी थे भलसे ग्राइंड करमती गोटे फाइन पेस्ट हो। देखु ये आम सुजी भलसे ग्राइंड हो जा गोटे फाइन पेस्ट हो जाको भाजिक रखा सीमेरे आम ढाद एवं से ग्राइंडर जारे मु गोटे ग्लास पानी दे दूची। पानी दे कि भल भाव गोल सीमेरे ढाई दूची। ता सहित मुझे गोटे बड़ चमच अटा को सहित काटिक रखि पियाज धनिया पत्र अदा जीरा एवं कंचा लंका को मध्य दे दूची। यह सब जिनस देलापर आम आपको एवं भल भाव गोल नवा। एठी मु स्वाद अनुसार लुण मध्यदेली। मुझे हाफ चमच रु टे अधिक लुण दे लुण दरकार आप लुण देवे। ये आपको भल भाव गोल देखते आर कनसीस्टेन्सीटा एतिक हवा दरकार पूरा एकदम पतला। आपको आम घोड़े कि 20 मिनिट पखापाखि रखिद जहाँफल कंचा लंका पियाज धनिया पत्र एसबूर फ्लेवरटा बैटर भल भाव मिसीज एवं आम जो सीमे नहीं सीमे भल भाव नरम होको आम भल भाव गोल नवा एवं 20 मिनिट पाई घोड़े की छाड़ी दबा। ये 20 मिनिट हो जाए मुझे बैटर को चेक कर देखते बैटर ये आमर टे थिक आमको आउ टे पतला बैटर दरकार से लगी मुझे आउ अल्प हाफ ग्लास पानी आड करदेवि। हाफ ग्लास पानी देलापर मुझे आपको भल भाव गोल आम जब भी दोसाटा बनवा आमको आपको गोल गोल का ही दबा को पड़ो। ये मुझे नॉन स्टिक तावा नहीं तावर मुझे भल भाव पा पकईकी आपको पोछी नौ।
एबे एथिरे एई परिके हमको बैटर को ढालिबा को पड़िबो जेमति एटा चारियाडे स्प्रेड हेकी पड़िबो। आकु एई दोसा बनया पय हमको 3 रु 4 मिनिट लागिबो एवं गैस रो फ्लेम को हमको हाई मीडियम फ्लेम रे रखिया को पड़िबो कहीं जेहेतु बैटर टा एटी पूरा पतला अच्छी तो आपको सीझा पाई टाइम लगे। ता ऊपर मु 2 चम्मच तेल को भल भाव बुले नेबी। तेल दबा द्वारा दोसा आमर क्रिस्पी बनी थाए। एबे आमे आकु 2-3 मिनिट पर्यंत छाड़ी दबा। देखंतु 2-3 मिनिट पर ब्राउन ब्राउन देखा गलानी ऊपर पटु। एबे आम आपको सावधान ने लेउटे देबा। एटी पाका पाके 3 मिनिट हे सल्लानी। एबे मु एटा को लेउटे देली। आपण चाहिले आकु लुहार तावा रे मध्यम करि परिबे सेथिरे मध्य आराम से एटा बाहरी आसे। मु भी बनेई थिली। आज मु नॉनस्टिक तावा रे बनाउची। एथर एपट सेपट लेउटे की आपको हम टिके क्रिस्पी कर देव। ये देखो यहाँ आमर ये दोसा टी एम प्रस्तुत हो जाए। बहुत क्रिस्पी अच्छी। आपको मो प्लेट को काढ़ी नौ सेम प्रोसेस रे मो तवा रे पानी छिंची आपको पोछी नेली। एवं आउ गोटे दोसा मुझे बनई कि देखा देखो दोसार बैटर टाक आम एम स्प्रेड करना पकेबा जमती चारिपटे एटा जमती राउंड शेप रेहेतु दोसार बैटरटा आम ये बहुत पतला अच्छी तो आराम से आपको पकईकना एमती तापर तेल 2 चम्मच बुले देवे टिके सीझीगला 2-3 मिनिट पर यहाँ एमतीका तलपट जो भल से ब्राउन एवं सेटा ऊपर पट मध्य ब्राउन देखा सेते बड़े आपको लेउटेबे। ता पूर्व जमा भी लेउटा को चेष्टा करें नचे यहाँ भांगिजी। देखो ये मोर दोसा के सुंदर से बनिकी रेडीगला गोटे एपट सेपट लेउटे भल भाव क्रिस्पी कर नवा। ये आम प्रस्तुत हो जाए सीमई दोसा। आपको आप सका कि संध्या बेले जेको चटनी सह जलखिया रूप से खाईपर यही सीमई दोसा बहुत ही देखो ये क्रिस्पी होती मोटे मुझे गोटे खंड छिड़ी देखा इटा क्रिस्पी है और बहुत इटा खाया बहुत ही टेस्टी लगी था जेहतु से आम कंचा लंका प्याज ये सब जिन पकई तो एकदम चटपटा सा लगे ये दोसा। आपण मानक जी मोर रेसीपी भल लगी तेज आपको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करूँ जहाँफल कि आगे अपलोड करुवा मोर सब नुआ बुढ़ नोटिफिकेशन आपण मैंने सहजे पाई मु पुणी आसिबी गोटे नुआ रेसिपी सहित से पर्यंत नमस्कार।